हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जब पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा था तो देश के लोग अपने घरों में छुपने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे थे जो अपने आप को घरों में कैद नहीं रख सकते थे। वो ऐसे योद्धा हैं जिनका घर से बाहर रहना जरूरी है। वो ऐसे योद्धा हैं जो कोरोना की शुरुआत से अब तक कोरोना से सबसे पहले टक्कर ले रहे हैं। अगर ये लोग अपनी जान की परवाह करते और अपने घरों में छिप जाते तो कोरोना देश का काल बन जाता और हजारों लोगों की जिंदगियां बिगड़ जाता। ऐसे ही बहादुर निडर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया यूनियन के बाराबंकी जिला संवाददाता रौनक सिंह ने। कोरोना संक्रमण काल में समाज की भलाई के लिए ये लोग दिन रात काम करते रहे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मचारी हो या पत्रकार साथी। परवाह किए बगैर ये लोग बिना रुके बिना थके लोगों की सेवा में दिन रात जुटे रहे। ऐसे योद्धाओं का सम्मान करते हुए यू न्यूज के जिला संवाददाता रौनक सिंह ने सभी पत्रकार साथियों का माल्यार्पण कर उन्हें उपहार भेंट किया। तो वहीं एसआई पशुपतिनाथ तिवारी और हेड कांस्टेबल अतुल वर्मा का भी फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इसके साथ ही उन्हें उपहार भी दिए। आपका कर्तव्य है जो काम की ताकत आपको दी गई है उस काम की ताकत को बढ़ाने न कि घटाने का प्रयास करें, और रौनक भाई मैं आपको बधाई देता हूं, और जब भी आपकी कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में ग्राम प्रधान राजू रावत, चंदन सिंह, धनंजय सिंह, पवन कुमार, अजय अवस्थी, कोमल मेहरा, सचिन लांबा, नवल किशोर सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, मोहम्मद अशरद, आशीष सिंह, गोपाल शर्मा, भानु प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप सिंह के अलावा और नौ जिले से आए यू न्यूज के ब्यूरो हेड लक्ष्मीचंद दीक्षित, अजय द्विवेदी, दीपक कुमार, विमल, पवन कुमार आदि पत्रकार भी मौजूद रहे। बाराबंकी से जिला संवाददाता रौनक सिंह की रिपोर्ट, यू न्यूज़।